नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे DIY बताने वाली हूँ जो आपको दिवाली डेकोरेशन और करवा चौथ पर काम आने वाले हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये जो DIY मैं बना रही हूँ ये बेकार सामान से है, खाली जो हमारे घर में वेस्ट पड़ा रहता है उसी सामान से है। ये जो मटका या कलश मैंने लिया है ये वही है जो मैंने नवरात्रों में यूज़ किया था, जल भर के रखा था। इसी का मैं DIY बनाकर बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम बनाऊंगी। मेरे पास गोल्डन और सिल्वर स्प्रे पेंट हमेशा ही रखा रहता है, तो सबसे पहले मैं इसके इनर पार्ट को ही पेंट करूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरा स्प्रे पेंट ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अंदर का पोर्शन जो था वो हो गया है। अब ये है दूसरा कलश जो कि मैं करवा चौथ पर यूज़ करने वाली हूँ और दिवाली पर भी इसे यूज़ करूँगी। तो इसके अंदर ना मैंने सिल्वर कलर किया है और बाहर भी मैं इसके सिल्वर ही कर दूँगी। इसको मैंने पूरा ही सिल्वर कलर में कर दिया है। इसको मैं एक ही कलर में मतलब पूरा पेंट करूँगी और इसके बाद ही कोई और कलर या फिर कोई DIY मैं इसके ऊपर करूँगी। अच्छे से मैंने इसको चारों तरफ से स्प्रे पेंट से कलर कर दिया है। दोस्तों स्प्रे पेंट की एक खासियत होती है कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, इसीलिए मुझे ये अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर देखिए ये मेरे पास वही मिट्टी का बर्तन है जिसमें मैंने अपने जौ के दाने बोए थे, लेकिन मैंने इसमें एक बार आहुति भी लगा दी थी तो इसलिए ये काला भी हो गया है। अब देखिए ट्राई करते हैं कि कितने कोट में ये ब्लैक कलर चला जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से इसकी जो मिट्टी थी धो लिया था, अच्छे से इसको सुखा लिया है और अब इस पर मैं ना गोल्डन कलर कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो थीम है वो गोल्डन सिल्वर और रेड कलर की है। इसको मैं पूरा ही गोल्डन कर लूँगी और अच्छे से मैंने इसको मतलब एक एक चीज़ को अच्छे से कलर कर लिया है। वैसे तो ये जो निशान है काला ये एक ही कोट से चला गया है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर दूसरा कोट भी डालूंगी जिससे कि सूखने के बाद ये फिर से दिखाई ना देने लगे। अच्छे से जो इसके साइडों में ये किनारियां बनी हुई है ना मैंने अच्छे से इनमें भी पेंट कर दिया है जिससे कि एक सुंदर सा लुक निकल कर आए। अब इस पे एक कोट हो चुका है, अब ना मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगी क्योंकि जब ये सूख जाएगा तभी हम इस पे दूसरा कोट कर पाएंगे। तब तक मैं इन पे कलर कर लेती हूँ। मैं इस कलश पे ना एक लाइन मेंटेन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसमें दो कलर ऐड करूंगी, एक गोल्डन और एक दूसरा कलर। तो सबसे पहले मैं गोल्डन कलर ही इस पे करूंगी, हाफ पार्ट में इसके में मैं गोल्डन कलर कर दूंगी। अच्छे से मतलब छोटे मोटे जो दाने से इसमें रहते हैं ना उसको भी अच्छे से हमें कवर कर लेना है और अच्छे से ही हमें इसमें कलर करना है, पेंट करना है। मैंने ये पेंट कौन सा यूज़ किया है, मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं ऑयल पेंट, ये नैरोलैक का है जो कि मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है। अब हाफ में तो मैंने गोल्डन कर लिया, अब हाफ में मैं रेड कलर कर रही हूँ। एक कोट ही अभी मैंने गोल्डन कलर का किया है और अभी ये रेड कलर मैं यहाँ पे कर रही हूँ और दूसरे वाले में भी मैं हाफ में रेड कलर ही करूँगी जिससे कि इनका कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा। इसमें भी देखिए पूरा हो गया है, पूरी फिनिशिंग के साथ हुआ है, बहुत ही सुंदर ये अभी लग रहा है। अब ये सूख गया है, इस पे मैंने दूसरा कोट भी कर लिया था, उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो इस पे दोनों कोट हो चुके हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये सूख गए हैं दोनों छोटे छोटे कलश, अब इन पर भी मैं दूसरा कोट करूंगी। पहले गोल्डन कोट कर लेते हैं और फिर रेड कोट करूंगी। इसकी लाइन मेंटेन करनी जरूरी है क्योंकि मुझे जो वर्क करना है वो इसकी लाइन को कवर नहीं कर पाएगा। अब मैंने दोनों में कर लिया है, अब हम करते हैं मिरर के साथ थोड़ा सा DIY।
ये दोनों कलश सूख चुके हैं। अब मैं इसके जो लाइन मैंने मेंटेन की थी ना, उस पर मैंने फेवी बॉन्ड लगा दिया है। अच्छे से आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि जल्दी से नहीं सूखता है। जब तक आप अपने मिरर वगैरह इस पर सेट करेंगे तब तक ये नहीं सूखेगा। तो मैं इस पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस पर मैं अपने मिरर लगा दूंगी। ये मैंने दोस्तों ये यहाँ पर छोटे छोटे मिरर लिए हैं, आप कैसे भी मिरर ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, जो आपकी पसंद हो। मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैंने यही यूज़ किए हैं। पूरे कलश में मैं इसी तरह से मिरर लगा दूंगी फेवी बॉन्ड की हेल्प से। और ये DIY इतना सुंदर लग रहा है कि मतलब मैंने आइडिया भी नहीं लगाया था कि ये इतना सुंदर लग सकता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और कुछ ज़्यादा नहीं किया, बहुत सिंपल। अब दूसरा वाला जो हमारा कलश है उस पर मैंने बीच में एक लेस लगाई है, उसको भी मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। बीच बीच में भी थोड़ी लगा देंगे और यहाँ पे जो इसके जॉइंट है ना, यहाँ पर हम ज़्यादा सी लगा देंगे। अब ये स्टिक हो गया है। अब मेरे पास छोटे छोटे से पैचेस भी पड़े हुए हैं, अब उन पैचेस को भी मैं इस पर स्टिक कर दूंगी। दोस्तों पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी नॉइस आवाज़ें आती रहती हैं। ये छोटे छोटे पैचेस लगने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसको, अब हम करते हैं इससे DIY कमाल। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया है। दोस्तों मैंने पीछे भी इसके पेंट कर दिया था क्योंकि ये पीछे का भी पार्ट बिना पेंट का अजीब लग रहा था, गंदा लग रहा था, तो सारा मैंने पेंट कर दिया। मैंने थोड़े से फ्लावर लिए हैं, एक आप टेबल ले सकते हैं, मेरे पास एक स्टैंड है इस पर लाफिंग बुद्धा रहते हैं, तो इसको मैंने फूलों से कवर कर दिया और दोनों को देखिए इस तरह से रखा है, और इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने इसमें डेकोरेट कर दिए हैं। दोस्तों आपको ये डेकोरेटिव पीस, ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत कितनी सक्सेस होती है, आपको कितनी पसंद आती है। दोस्तों आपके दिमाग में ऐसे और कैसे DIY हैं, कौन कौन सा DIY आप मटकों से या फिर इस तरह की उड़ली से कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जो मैंने जिसमें फ्लावर्स नीचे रखे हैं जिसपे पूरे पे गोल्डन पेंट किया है, उसे आप एक उड़ली की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। आप उसमें पानी भर के फ्लावर रख सकते हैं, फ्लोटिंग कैंडल रख सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगती है।